लड़की का अगर रंग गोरा नहीं हो ना तो सब पे मौत पड़ जाती है, कोई उसे टोटके बेचने लग जाता है, कोई ताने सुनाने लग जाता है। आई मीन आप फेयरनेस क्रीम्स की सेल्स ही देख लें, इतनी ज़्यादा बिकती हैं, सेलिब्रिटीज़ इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उसे इंडोर्स करते हैं और हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग उसे बना बना के बेच रहे हैं। और जो ये सो कॉल्ड समझदार लोग नहीं हैं बहू, इनको भी गोरी ही चाहिए। तो एनी, आपकी क्या कहानी है? मेरी कहानी इस तरह से है कि मैं जो है एक मिडिल क्लास घर में जो है पैदा हुई। मैं फ़र्स्ट चाइल्ड थी अपने पेरेंट्स की, तो एडमिशन अच्छी जगह करवाया मेरे पेरेंट्स ने। स्कूल मैं गई और सब कुछ बहुत स्मूथली रन हो रहा था, बिकॉज उस वक्त मैं छोटी भी थी तो मुझे चीज़ों का इतना ज़्यादा यू नो सेंस भी नहीं था। फिर मैं मैट्रिक में आई, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मैट्रिक में जब मैं आई तो यू नो थोड़ा एक जो नया नया होता है कि लड़की थोड़ी बड़ी हुई है तो उसको तैयार होने का और उन चीज़ों का, ये चीज़ मुझे शुरू से नहीं थी, क्योंकि मैंने कभी इसको इतना डीपली रियलाइज़ नहीं किया था कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने नोटिस किया कि एज़ कम्पेयर टू मेरी कज़न्स और हम सब लोग जो बराबर के हैं, हम लोग जब कहीं पे हैं या कुछ है तो हमेशा मुझे कहीं ना कहीं सोसाइटी में लोगों ने फील करवाया कि मैं कम हूँ, यू नो वो लोग ज़्यादा हैं मैं कम हूँ। तो जब मुझे ये लगा कि मैं कम हूँ तो मुझे फ़ौरन से एक बात क्लिक की कि शायद मैं अपने कॉम्प्लेक्शन के लिहाज से ही कम हूँ। जब मैंने उसको प्रैक्टिस, मतलब मैंने चाहा कि मैं इसे और एनालाइज़ करूँगी, तो जो लोगों के परसेप्शन थे ना वो रियली इसी चीज़ पर आके रुके। बिकॉज मेरे पेरेंट्स को लोगों ने बोलना शुरू किया कि ये सबसे बड़ी है घर में, और भी बहनें हैं तो आप इसके लिए जो है ना रिश्ता देखना शुरू कर दें, क्योंकि अभी आप स्टार्ट करोगे तो एक दो साल लगेगा। क्योंकि इनडायरेक्टली दे वर सेइंग कि बिकॉज बच्ची का रंग जो है वो कम है, तुम लोग इतने रिच भी नहीं हो तो किस तरह से एक अच्छा सुटेबल रिश्ता मिलेगा ना। तो मेरे जो फादर थे उन्हें भी ये चीज़ लगा, बिकॉज हम चार बहनें थी तो उन्होंने उस वक्त तो इतना नहीं रियलाइज़ किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो प्रेशर इनडायरेक्टली इतना बढ़ गया कि मेरे फादर को अनफॉर्चुनेटली कोई एक रिश्ते वाली हायर करनी पड़ी। अच्छा, रिश्ते वाली जब हायर की तो रिश्ते वाली ने भी फ़ोन पे वही सवालात किए जो मैं नहीं सुनना चाहती थी, लड़की का रंग कैसा है, साफ़ है तो कितना साफ़ है, साफ है ये नहीं बताएं, बस आप बताएं रंग गोरा है या काला है, मतलब उसके बीच में कोई लिमिटेशन है या तो गोरा है या काला है। तो उस वक्त भी ये चीज़ें मुझे अंदर ही अंदर आप कह लें कि खा रही थी कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। अच्छा, फिर जो भी रिश्ते वाला आने वाला होता था ना, पहले कॉल आता था, कॉल किस तरह से आता था, वो आपके घर के लिए नंबर दिया था, ये इन्होंने दिया था, और हमें बता दें उस वक्त व्हाट्सएप इतना इन नहीं था, शुक्र है अल्लाह का, तो आप फ़ोन पे पूछते थे कि भाई लड़की का रंग कैसा है ना। तो मैंने अपनी अम्मी को सुना है कहते हुए कि वो कहती थी भाई मेरी बेटी का रंग साफ़ है। अच्छा, उसमें से लिटरली कुछ लोग तो मना कर देते थे ना, क्योंकि वो डाउटफुल एक चीज़ होती ना, तो गोरा है तो बंदे ने डायरेक्ट गोरा रंग है। तो जो लोग आते थे वो बाद में, उनमें से कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि आपने तो कहा था कि रंग गोरा है लड़की का, मतलब इस तरह से ना इनडायरेक्टली। फिर रिश्ते आते रहे, कुछ रिश्ते ऐसे थे कि जो बिल्कुल अंकल्स के थे और फिर भी उनके इतने नखरे थे कि मतलब अगर मैं यूनिवर्सिटी से आई हूँ तो जाहिर सी बात है एक बंदा ट्रैवल करके आया है तो उसका वैसे ही यू नो उसकी स्किन बहुत ज़्यादा रेडिश हो रही होती है, हुलिया वैसे ही आपको पता है यूनिवर्सिटी और उसके बाद कैसा होता है हुलिया। तो वो अचानक पता चला कि भाई कोई आया है ना लोग देखने। अच्छा, जब मैं गई अंदर, क्योंकि कपड़े तो मेरे अम्मी हमेशा प्रेस ही करके रखती थी। अच्छा, रिश्ते वाले कपड़े अलग से निकले हुए होते थे? दो तीन ड्रेसेस ऐसे थे जिसमें मैं बहुत ज़्यादा प्यारी लगूँ ना तो वो हमेशा हैंग होते थे, और ये सब काम हमेशा मेरी अम्मी बेचारी करती प्लानिंग करके रखी, प्लानिंग करके रखी थी। आप लोग हाँ आते थे, लोग रिश्ते आते थे, तो वो जो रिश्ता आया वो थोड़े से बड़े थे, अंकल बोलूँगी उस वक्त, तो वो मेरे अंकल टाइप थे, उनकी बहनें आई थी और वो दुबई में थे, तो उन्होंने उनकी बहनों ने मुझसे छूटते ही पूछा तुम्हें पीलिया तो नहीं हुआ था कभी? मैंने कहा जी, तो कहती हैं कि वो पता नहीं हमें तुम्हारी आँखें और तुम्हारा कलर थोड़ा ना इस तरह से लग रहा है कि थोड़ा बीमार, आपकी बेटी बीमार तो नहीं है? मेरी अम्मी ने जब ये सुना तो उस वक्त उनको ये हुआ कि मुझे ये इसको नहीं सुनना चाहिए था ये बात। एनी, जब आप कहती हैं कि रंग साफ था, ये साफ रंग क्या होता है? मुझे नहीं पता कि साफ रंग होता, मेरे लिहाज से तो हर रंग साफ होता है, मुझे तो ये लगता है, और लोगों को ये कैसे समझ में आएगा या लोग क्या सुन के सुनना चाहते हैं वो मुझे नहीं पता। अच्छा, आपकी सोसाइटी जो है आपके अब्बू को बहुत प्रेशराइज कर रही थी, ठीक है, कि आपकी शादी कैसे होगी क्योंकि आपका रंग उनको सही नहीं लगता था। लेकिन ये वाला प्रेशर कभी आपको आके लगा? कभी आप प्रेशराइज फील करती थी? आप कभी सोचती थी कि यार मेरी शादी कैसे होगी? नहीं, मुझे ये कभी भी नहीं होता था, मुझे अपनी परवाह नहीं थी, मुझे हमेशा ये होता था कि मेरे पेरेंट्स
मेरी वजह से परेशान हो रहा है ना। अब मैं ऐसा करती हूँ कि मैं भी कोई एफर्ट करती हूँ ऐसी जिसके ज़रिए मैं अच्छी जगह मेरी शादी हो जाए और मेरे पेरेंट्स के बोझ, क्योंकि मैं जो है ना शुरू से बेटा बनना चाहती थी, तो मैंने कहा मैं बेटी वाला टाइप हटा के ना ख़ुद से कुछ ट्राई करती हूँ। तो मैंने एक सिम यूज़ करके और उस पर एक चैट का कोई ऑप्शन था, मैंने वो एक दिन ट्राई किया ना, मैंने ट्राई किया तो मतलब फॉर्चुनेटली या पता नहीं अनफॉर्चुनेटली एक मुझे एक दोस्ती हुई मेरी एक लड़के से और वो इस्लामाबाद में रहता था। अब एक दिन उसने मुझसे कहा कि तुम कैसी दिखती हो ना, मतलब दिखती हो इन वे क्वेश्चन पूछ लिया ये वाला। हाँ, उसने कहा कि तुम मुझे देखना है कि तुम्हें मुझे देखना है ना। तो मैंने उसको बोला कि मैं पिक्चर तो नहीं अभी शेयर कर सकती, लेकिन हाँ एक एक्ट्रेस है जो कि मुझसे बिल्कुल नहीं मिलती और वो फेयर है, तो मैंने कहा कि मैं उससे मिलती हूँ ना। तो मुझे बड़ी इस बात पर वो थी कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो एक माइंड सेट हो गया था मेरा, एक ये बोलूँगी ना तो चीज़ आगे तक चलेगी ना, दिलासा झूठा इस तरह से। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तो ये बात इस तरह से आगे बढ़ी। फिर आगे आगे जाके मुझे लगा कि मैं उसको धोखा दे रही हूँ, तो इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसी चीज़ का कोई फ्यूचर नहीं है। तो फिर मैंने उसको एक दिन अपनी पिक्चर शेयर करके और मैंने उसको कहा कि मतलब मुझे नहीं करनी अब बात ना, क्योंकि मैंने खुद से फैसला कर लिया कि पिक्चर देख के इसको पता नहीं क्या लगेगा ना कि मैंने झूठ क्यों बोला। तो इस तरह से हुआ। अच्छा, तो एनी अब तो आपकी शादी हो गई है राइट, तो किस तरह से हुई आपकी शादी? फिर शादी इस तरह से हुई कि जिनके थ्रू सारे रिश्ते आते थे उनके ही थ्रू एक रिश्ता आना था, आना तो शाम में था 6-7 बजे, लेकिन फ़ोन आया कि हम थोड़ा लेट हो जाएंगे। वो थोड़ा लेट नहीं पता था कि कितना लेट होने वाला है, तो रात में 11:30 बजे कॉल आया कि हम लोग अब आ रहे हैं ना। अच्छा, तो मैं समझ गई कि वो वाले छिजोरे लोग आ रहे हैं जो लाइन अप कर रहे होते हैं ना सुबह से लड़कियां देखेंगे रात तक और उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। तो वो 12 बजे वो हमारे घर पहुँचे, उनको रास्ता भी नहीं मिल रहा था। 12 बजे वो लोग आए, फिर मैंने वही मैं तैयार हुई और ये वो, तो आके मैं बैठी तो मुझे पता चला कि लड़का भी आया हुआ है ना। जब मैंने लड़के को देखा मैंने कहा यार अम्मी क्यों उस तरह की वेस्ट करती हैं टाइम ना, मतलब एक लड़का जो इतना ग्रूम्ड है, इतना अच्छा है, वो वेल सेटल्ड है, ये है, तो वो मुझे क्यों रिकमेंड करेगा ना। तो उसने मुझसे डायरेक्टली, उसकी अम्मी भी साथ थी और सब लोग थे, मगर उसने मुझसे डायरेक्ट एक सवाल किया कि तुम क्या पढ़ रही हो ना। मुझे बहुत अलग लगा कि किसी ने एटलीस्ट मुझसे पूछा कि मैं पढ़ भी कुछ रही हूँ या नहीं पढ़ रही हूँ, या मुझसे और कोई सवाल नहीं किया। तो मैंने उसका जवाब दिया और उन्होंने उसके बाद कुछ ज़्यादा खाया भी नहीं चटोरों की तरह, और यू नो फिर थोड़ी सी बातचीत हुई और वो लोग चले गए। 4 महीने हो गए थे, तो मेरी 4 महीने तक उनका कोई रिस्पांस नहीं आया ना। तो अम्मी ने, मैंने सोचा ये भी वैसे ही निकले जैसे सब थे। एकदम रात को 11:30 बजे मेरे पापा खाना खा रहे थे दस्तरखान पे बैठ के और अम्मी सोफे पे थी और कॉल आया किसी का ना, मैं फ़ोन यूज़ कर रही थी तो कॉल आया, तो अम्मी ने सुनते ही ना अम्मी ऊपर से नीचे कूद गई। तो मतलब मैंने कहा ये क्या हुआ है ना, अम्मी कहने की इस तरह करके ना इशारा कि मतलब किसी की इंपॉर्टेंट कॉल है ना। पापा ने बोला कि क्या हुआ, तो अम्मी ने बात बात करके बंद किया। मैंने कहा वो एक लड़का नहीं आता बहुत प्यारा सा, उनकी कॉल आ गई कि उन्हें पसंद है ना लड़की। तो मतलब मुझे उस वक्त मेरा तो इतना रिस्पांस नहीं था, मैंने कहा कि ठीक है अच्छा ना। फिर अम्मी लोग उनके घर गए और अम्मी ने मुझे, पापा ने मुझे घर आके कहा कि सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। मैंने कहा शादी तो मैंने करनी है, यहाँ मैं अपना सर फाड़ूँ जाके कहीं और फाड़ूँ, चलो कर लेते हैं। लिटरली मेरे दिल में था कि यार ये मुझसे शादी भी कर रहे हैं तो कुछ घर का इसका प्रेशर होगा, तो मैंने हाँ कह दी। अब मेरी इंगेजमेंट हुई, मेरी शादी हुई, शादी तक, शादी के रात तक मुझे ये बात क्लियर थी कि मुझे आके कहने वाला है कि मैंने तुमसे शादी इसलिए की है कि मेरे घर वालों का प्रेशर था। मैं बिल्कुल रेडी थी और मैंने कहा यार मैंने इससे ही बात करनी है कि यार तुम अपनी लाइफ जियो, मैं अपनी जीऊँगी, अब ऐसे ही चलाते हैं ना, एटलीस्ट मेरी शादी तो हो गई तो मेरे पापा का बर्डन तो कम हुआ। शादी की सुबह जब हम उठे तो उसने मुझे सिर्फ एक बात बोली कि यार तुम्हारे पैर कितने खूबसूरत हैं। जब मैंने ये बात सुनी ना मैं एक मिनट के लिए मैंने कहा ये ना जोक है कुछ है। मैंने कहा कभी मुझे किसी ने चेहरे पे इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया, कोई मेरे पैरों को इस तरह से कैसे कह रहा है कि इतने खूबसूरत हैं। कोई भी चीज़ आपके अंदर अगर बचपन से चाइल्डहुड से आपके साथ मिल रही हो ना तो निकलने में टाइम लेती है सेंस। उसने मुझे कहा कि तुम इन चीज़ों को सोचना छोड़ दो। उन्होंने एज अ टीचर मुझे देखे ना चले, उन्होंने मुझे बोला कि अब तुम इन चीज़ों को छोड़ो, आगे बढ़ो, तुम अपना सोचो कि तुम क्या हो। तो मैंने भी अपने पैरों से देखे, मैंने कहा चले मेरे पैर होंगे शायद इतने अच्छे। तो मतलब उसको नहीं पता था कि मेरे दिल में क्या है, लेकिन उसने ये बात की तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ हूँ।